सो व्हाट इज आर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट, अक्सर लोग पूछते हैं और या बोलते हैं कॉमन भाषा में कि हमें आर्थराइटिस हो गया है। तो आर्थराइटिस जो होता है, जॉइंट में कोई भी खराबी हो, जॉइंट की लाइनिंग में, कार्टिलेज में कोई भी खराबी हो, उसको आर्थराइटिस बोला जाता है। अब इस आर्थराइटिस के कई कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण, सबसे कॉमन रीजन जो आज की तारीख में हम देखते हैं, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जब एज बढ़ती है तो जो कार्टिलेज होता है उसमें वेयर एंड टीयर होता है, डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। उम्र बढ़ने की वजह से जो कार्टिलेज में डैमेज होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये जो है ज्यादातर एल्डरली पॉपुलेशन में पाया जाता है, जो एजेड लोग होते हैं उनमें ये दिखता है। दूसरी तरह की आर्थराइटिस होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है उसमें एक तरह से ये बीमारी होती है जिससे कि जो लाइनिंग होती है जॉइंट की वो डैमेज हो जाती है। तो ये जो है रिलेटिवली यंग लोगों में मिलता है। इसमें घुटने के अलावा बाकी जॉइंट जैसे हाथ के जॉइंट, पैर के जॉइंट, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। हाथ में टेढ़ापन आ जाता है, एल्बो इन्वॉल्व होता है, रिस्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। इसके लिए पहले दवाइयाँ दी जाती हैं और अगर जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया तो फिर सर्जरी की जाती है। तीसरा कारण होता है ट्रॉमेटिक, चोट की वजह से। अगर चोट की वजह से बोन की जो बनावट है वो टेढ़ी हो गई है, या चोट की वजह से अगर कार्टिलेज डैमेज हो गया है, तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस बाद में हो सकता है, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी होते हैं, जैसे यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आर्थराइटिस होना, या PVNS बोलते हैं उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होना। बट ये सब जो कारण है ये रिलेटिवली इतने कॉमन नहीं है। तो जो मेन मोस्ट कॉमनली जो आर्थराइटिस हम देखते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, फॉलोड बाय रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड देन ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस।